उपहुता इह गावा उपहुतो अजावया अथो अन्नस्य किलाल उपहुतो गृहेशुनः क्षेमाय वा शान्ते प्रपद्ये शिवं सगम संयो संयो। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अन्न समृद्धि से ही परिवार में सुख शांति संभव। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आइए विषय की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में पशुओं को धन वैभव का प्रतीक माना जाता था। उस युग में आज की भांति रुपया पैसा न होने के कारण पशु को ही धन माना गया। जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे वह उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। इसीलिए ही प्राचीन काल में परमपिता परमात्मा ने से बार बार यह प्रार्थना की जाती थी प्राचीन काल में कि हे प्रभु, हे पिता, हमें अत्यधिक पशुधन दे, इतनी विपुल मात्रा में पशुधन दे कि हम आजीवन सुखों को प्राप्त करते रहें। इस तथ्य को यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में इस प्रकार से कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है, ओम उपहुता इह गावा उपहुतो अजावया अथो अन्नस्य किलाल उपहुतो गृहेशुनः क्षेमाय वा शान्ते प्रपद्ये शिवम शगम संयो संयो। यजुर्वेद 3:43, अथर्ववेद 7:65। इस बार इस घर में गाय बकरी भेड़ आमंत्रित हैं। हमारे घर में अन्न का पेय आमंत्रित है। हे ग्रह के देवों, अपने कल्याण और शांति के लिए तुम्हारी शरण में आता हूँ। यह सुख कल्याण शांति और कुशलता रहें। इस मंत्र में परिवार के सुख शांति के लिए पशुधन अन्न समृद्धि की कामना की गई है। प्राचीन काल में तो आज के समान रुपया पैसा था नहीं, पशुओं को धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। इसी कारण जिस घर में अधिक गाय पशु होते थे वहाँ दूध घी अधिक मात्रा में होता था। मनवांछित दूध घी आदि प्राप्त होगा तो सभी व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहेंगे और उनमें, क्योंकि दूध में पौष्टिक तत्व होते हैं, इनके उपभोग से ये तत्व शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार शरीर को पौष्टिक करके हष्ट पुष्ट शक्तिशाली बन जाता है शरीर। इस प्रकार किसी भी परिवार की समृद्धि के लिए, उसके सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य बुद्धि के लिए केवल रुपये पैसे ही नहीं पशुधन का होना भी आवश्यक होता है। अर्थात प्राचीन काल में प्रार्थना किस प्रकार की जाती थी, क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी, रुपया पैसा चलता नहीं था, तो लोग समृद्धि की जो परिभाषाएं हैं वो पशुधन से जोड़ी जाती थी, क्योंकि उनसे दूध घी आदि मिलता है। जो दूध घी का प्रयोग करते हैं उससे उनको जो है बुद्धि बल आदि आता है। इस कारण से जो कामनाएं की जाती थी ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से मांगा जाता था, जिसे आज हम जो है धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, ठीक उसी प्रकार धन संपत्ति ऐश्वर्य का प्रतीक उस समय जो पशुधन होता था वह होता था। इसी कारण इसकी कामना की जाती थी। जिस प्रकार परिवार की समृद्धि के लिए पशुधन आवश्यक है, उसी प्रकार ही अन्न की बहुलता भी होनी आवश्यक होती है। विविध अन्नों के द्वारा ही हमारे सारे भोज्य पदार्थ बनते हैं। यह भोज्य पदार्थ न केवल हमारी क्षुधा को शांत रखते हैं अपितु पशुधन से प्राप्त दूध आदि की भांति ही हम अन्न भी हमें पौष्टिकता देता है। इस पौष्टिकता से हमारे शरीर में शक्ति और अत्यधिक परिश्रम का स्रोत बनता है। अतएव पशुओं से प्राप्त दुग्ध आदि अन्न से प्राप्त पौष्टिक तत्वों से दोनों प्रकार से हमारे सारे भोज्य पदार्थ हमारी क्षुधा को शांत रखने के लिए, हमें शक्ति संपन्न करने के लिए बनते हैं। इस कारण ही इस मंत्र में पशु और अन्य दोनों प्रकार के धनों की प्राप्ति की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है। अर्थात जो अन्न होता है वह भी समृद्धि का प्रतीक होता है, कामना की जाती है, क्योंकि अन्न जो है शरीर पुष्टि के लिए, शारीरिक सामर्थ्य के लिए ही नहीं, व्यक्ति के जीवन के लिए भी जरूरी होता है, तो उसकी कामना भी की जाती है। जहाँ मंत्र में पशुधन अन्न विपुल मात्रा में प्रभु से मांगा गया है, साथ ही वहाँ यह भी प्रार्थना की गई है कि परिवार में क्या क्या रहे, सुख शांति कल्याण योगक्षेम रहे। परिवार में सुख शांति कल्याण योगक्षेम तब तक ही रह सकता है जब परिवार के सब लोग मिलकर चलेंगे, एक विचार से चलेंगे। यदि परिवार मिलकर कदम ताल नहीं करते, एक विचार बनाकर नहीं चलते, तो उस परिवार में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रहेगा। जहाँ लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश होगा वहाँ सुख शांति कल्याण और योगक्षेम का प्रश्न उठता ही नहीं है। अतः गुण रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हुए परिवजनों में संगठन की भावना मांगी गई है, ताकि सब परिजन मिलकर एक विचार बनाकर एक समान व्यवहार करें। शिव और संभ में अंतर किया गया है तथा बताया गया है कि लौकिक सुख शिव है और पारलौकिक सुख संभ है। संयो शब्द योगक्षेम का सूचक है। श्याम प्लस यो
को मिलकर संयोग बनता है। श्याम का अर्थ है सुख शांति और योग का अर्थ है सुरक्षा और कल्याण। इस प्रकार संयोग शब्द योगक्षेम का अर्थ बताता है। लौकिक सुख के लिए हमें अपने परिजनों के साथ मिलकर कार्य करना होता है। यदि परिवार के सब सदस्य में एक सदस्य भी क्रुद्ध हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, तो परिवार की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि हम सब परिजन मिलकर कार्य करते हुए लौकिक सुख अर्थात शिव को प्राप्त करें। अर्थात जो है अन्न और दुग्ध की कामना की गई है पशुधन की, दुग्धों के लिए, ताकि बुद्धि बल और सामर्थ्य बढ़े। साथ ही साथ कामना की गई है किस चीज की, कि व्यक्ति सामर्थ्यवान हो, सुखी हो, कल्याणकारी उसका जीवन हो, योगक्षेम वाला जीवन हो, इसकी भी प्रार्थना की गई है। शिव को प्राप्त करने के साथ ही हम सम्य अर्थात पारलौकिक सुख को भी प्राप्त करें। यहाँ पारलौकिक सुख के प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना की गई है जो आगामी जन्म में हमारे काम आता है। हम आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए प्रभु की प्रार्थना करें व दीन दुखियों की हेल्प करें, सहायता करें। इस प्रकार हम सम्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी दो प्रकार के सुखों को पाकर हमें सुख के साथ ही शांति भी मिलती है, कल्याण भी होता है, संतुष्टि भी मिलती है। यही योगक्षेम है जिसे पाकर हम सर्वत्र प्रशंसा का कारण बनते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सबके अनुरूप ही बनते ही गाय बकरी भेड़ आदि की मांग करते हुए लौकिक और परिवार में शांति कल्याण के लिए पारलौकिक सुखों की इस मंत्र के माध्यम से परमपिता प्रभु से प्रार्थना की गई है। जिसे हम सब मिल या सब मिल जाता है वह संसार में भी यश कृति पाता है और आगामी जन्म में भी यशस्वी होता है। अर्थात किन किन चीज़ों की एक बार हम पुनः हमने जो सीखा, जो पढ़ा, जिस विचार किया, जिस पर वह दोहराएंगे। कहा गया है कि व्यक्ति की जो समृद्धि का प्रतीक होता था प्राचीन काल में वो पशुधन होता था, क्योंकि पशुओं से घी और दूध प्राप्त होता था और घी और दूध व्यक्ति के शारीरिक सामर्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए उसको समृद्धि में जोड़ा गया है। उसके पश्चात जो चीज की प्रार्थना की गई है वह है कि योगक्षेम मिलता रहे, सुखी जीवन रहे, कल्याणकारी जीवन रहे, जीवन में कल्याण रहे, इसकी प्रार्थना की गई है। इसीलिए व्यक्ति को इस मंत्र के माध्यम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा से क्या मांगे, अपने शारीरिक सामर्थ्य और बल के लिए, बुद्धि बल के लिए पशुधन अर्थात दुग्ध घी आदि हमारे यहाँ बना रहे, और साथ ही साथ किस चीज की कामना करें, अन्न की प्रचुर मात्रा में कामना करें, और कामना करें हम जो है सुख शांति और कल्याण की परिवार में कामना करें। इसके लिए क्या आवश्यक है, मार्ग भी बताया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि सब लोग मिलकर चलें, एक मन होकर चलें। अगर एक मन होकर नहीं चलेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, तो सुकून नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका ध्यान रखें। इसी के साथ यह कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से हमने लेख लिया था, कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक के, और इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। इस पुस्तक के इस यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के लगभग सभी मंत्रों की व्याख्या हमने आपको इस के माध्यम से, वैदिक राष्ट्र के माध्यम से दी है। पिछले सभी मंत्रों की व्याख्याएं आप इसी तरह वैदिक राष्ट्र पर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस तरह के वैदिक अन्य विचारों के लिए, अन्य वेद मंत्रों की व्याख्याओं के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।